भारतीय रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को आप सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, डीएमआरसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 12 है फॉर जेई सीआरए एससीटीओ मेंटेनर, लेकिन इसमें सारी क्वेश्चन जीके की होगी और एक टोटल 20 क्वेश्चन है जो सारे पोस्टों से एक एक दो दो चार या पांच या छह इस सीक्वेंस में लिया हुआ है कि एक लॉजिकल रूप से बनाया जाए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताऊंगा कि पार्ट 11 तक में जनरली तीन वीडियो रीजनिंग का है, बाकी टेक्निकली वीडियो था, और ये चौथा वीडियो आपका है जीके करंट अफेयर, मतलब जीके का है, जनरल नॉलेज का। तो यहाँ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। दी फर्स्ट टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूटी असेंबली वाज, भारत के प्रथम जो आपका बना था कंस्टिट्यूएंसी के लिए असेंबली बनी थी आपका संविधान सभा के लिए, उसके टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट कौन थे, और ये पूछा हुआ है एसीटीओ एग्जाम के लिए डीएमआरसी में। तो आप जानते होंगे कि परमानेंट तो भीमराव अम्बेडकर जी थे हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष, लेकिन यहाँ टेम्प्रोरी की बात हो रहा है तो डॉक्टर सज्जानंद सिन्हा थे जो टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है, ये भी एसीटीओ से लिया हुआ है। हु हैज बीन सर्टिफाइड यूनाइटेड नेशन एज ए फर्स्ट मेट्रो रेल एंड रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड गेट कार्बन क्रेडिट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कार्बन ग्रीन हाउसेस गैस रिड्यूस करने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा कौन से मेट्रो या रेल बेस्ड सिस्टम को लिए अवार्ड मिला है। तो ग्रीन सर्टिफिकेट दिल्ली मेट्रो को मिला हुआ था, ये करीब 13-14 की बात है, उस समय की बात है, तो ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन थ्री है जो जेई इलेक्ट्रिकल से है और क्वेश्चन फोर भी जेई इलेक्ट्रिकल से लिया हुआ है, और दोनों में ये मिलान करने के लिए एक क्वेश्चन है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, इसलिए थोड़ा इसको इजी से हो सकता है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट साइड में लेक दिया हुआ है या कुछ पॉपुलर पैलेस दिए हुए हैं, और दूसरे साइड में एक भारत का जगह का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले चिल्का लेक यहाँ दिया हुआ है, तो सब लोग जानते हैं चिल्का लेक उड़ीसा में है, तो आप इसको यहाँ से मिलान कर सकते हैं, उड़ीसा है। दूसरा है कि अलापूजा कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं इसमें केरला में होता है, केरला का जगह है। उसके बाद फोर्ट अगुडा की बात होती है तो ये आपका गोवा में है। उसके बाद सेलुलर जेल अंडमान निकोट बार के पोर्ट ब्लेयर में है। तो अगर ये ऑप्शन मिलाएंगे तो पहला का चिल्का लेक का बी, पहला में बी और दूसरा में आपका ए, तो दूसरा में ए केवल इसमें अवेलेबल है, बाकी दूसरे में ये है लेकिन फर्स्ट में सी है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट है। उसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर फोर जो इलेक्ट्रिकल में था मैच के लिए ही, यहाँ कुछ पोर्ट दिए हुए थे जो बंदरगाह कहते हैं और दूसरे साइड में उसके राज दिए हुए थे। तो भारत की मैप देंगे तो गुजरात से शुरू होकर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, सारे बंदरगाह यहाँ से यहाँ तक विकसित हैं, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल से लेके गुजरात तक इस आकार में घटते, जिसको इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सारे घाटों का दिया हुआ, तो पहला है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई के आसपास है या मुंबई के आसपास है, तो ये महाराष्ट्र आएगा मुंबई के लिए। उसके बाद पैरादीप उड़ीसा की फिर से बात हो रही है, पैरादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। उसके बाद आप कांडला जानते हैं, तो गुजरात में कांडला हो, तो कांडला गुजरात के आसपास है, तो गुजरात आपका आएगा, ऑप्शन यहाँ डी है। और इनोर तमिलनाडु में है, लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे इनोर बंदरगाह है। तो इस टाइप से देखेंगे तो ये सारा का सुमलेट करेंगे तो ऑप्शन टू आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका फाइव है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या मेंटेनर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनर के लिए है वहां से लिया हुआ है। द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी फिलेड विद इन, कह रहा है कि खाली स्थान ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब आपके राष्ट्रपति के खाली स्थान का कितने दिन में भरा जाना जरूरी है। तो यहाँ ऑप्शन होता है सिक्स मंथ से ज्यादा वैकेंट नहीं हो सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा सीट, तो ये पिछले कई सालों से ही फिक्स है, 552 मैक्सिमम लोकसभा की सीट अभी भारत में फिक्स किया हुआ है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ही 7-8 है, कह रहा दी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज बाउट बिटवीन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था, तो 1291 या 1191 है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसको आपको कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान इसके जीत किए थे। तो ये आपका फर्स्ट गौर मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, ये फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, फेमस पर्शियन पोएट फिरदौसी लाइव ड्यूरिंग द रिजिन ऑफ, कह रहा है कि फेमस पोट फिरदौसी किसके शासन काल में रहा करती थी, तो मोहम्मद ऑफ गजनवी ऑप्शन 3 ऑप्शन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, मलेरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग इन ब्लड ऑफ प्रेजेंट, मलेरिया का डिटेक्शन कैसे किया जाता है, कैसे अगर रक्त में क्या मिल जाएगा तो हम मानेंगे कि उस व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है। ये जेई मैकेनिकल के लिए दोनों क्वेश्चन आए हुए थे उसके लिए है। तो मलेरिया सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है, अगर प्लाज्मोडियम मच्छर या किसी कीट के द्वारा शरीर में पहुंच जाता है तो वो रक्त में मिलने लगता है रेड ब्लड सेल में, तो इस कारण से आइडेंटिफाई होता है कि व्यक्ति को मलेरिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दी व्हाइट बैंड ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग इज एडेड, तो आप जानते हैं इंडिया की 3 कलर बैंड है, उसमें इसमें व्हाइट जिसमें चक्र लगा हुआ है उस बैंड को किसने ऐड करवाया था, तो इसमें पंडित नेहरू मोतीलाल नेहरू जी ने इसको करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, फूड सप्लाई एडी फोर्टिस बाई ए मीन, फोर्टिस को हिंदी में भूर्ण बोलते हैं, बच्चे को गर्भ में जब रहता है उस समय फूड सप्लाई खाना उसको कहाँ से पहुँचता है, और एक क्वेश्चन जेई मैकेनिकल का ही दोनों है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन 3 में है, दी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा बच्चों को माँ के पेट में भोजन प्राप्त होता है, यानी भूर्ण को बच्चे नहीं कह सकते हैं, भूर्ण को कह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, 0 degrees एब्सोल्यूट इज इक्विवेलेंट टू, निरपेक्ष में 0 degree की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता होगा कोई भी स्केल -273 degrees centigrade से, मतलब इस सेंटीग्रेड से शुरू होता है, हमारा सेंटीग्रेड का परिणाम तो 0 से शुरू होता है, लेकिन अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये केल्विन के सापेक्ष में ये 0-273 degrees centigrade होता है, तो ऑप्शन 3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ये जेई इलेक्ट्रिकल का लिया हुआ है, जेई इलेक्ट्रिकल से दोनों क्वेश्चन है, दी गैस यूज फॉर रिपेन ए फ्रूट, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज किया जाता है, तो ये सभी लोगों को जनरली पता होता है एसिथिलीन जो होता है, इस गैस से फल को पकाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ए ग्लैंड डेथ डिस्पियर इन एडल्ट बट इनएक्टिव ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, कहता है इसी क्वेश्चन को कई बार रिपीट करके दिया हुआ रहता है, ये वह कौन सी ग्रंथि है जो बच्चों को जन्म लेते वक्त होता है लेकिन बाद में विकसित होने के बाद वो खत्म हो जाता है, उसी को कह रहा है यहाँ पे कि अगर इनएक्टिव होता है चाइल्डहुड में और बड़े होने पे ये समाप्त हो जाता है एडल्ट होने के बाद, तो ये होता है थाइमस, जिस ग्रंथि को थाइमस बोलते हैं, जो बच्चों में इनएक्टिव होता है और एडल्ट होने के बाद डिस्पियर हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पोयम टाइप का है जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के संपर्क में लिखा हुआ है, ये जेई सिविल के क्वेश्चन से लिया हुआ है, जेई सिविल में आया हुआ था, 4 बांस 24 गज अंगल अक्षत परावन ताप ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान, मतलब इसके हमारा इंग्लिश करने का मतलब नहीं है, लेकिन हमारा एक मकसद था, इसमें एक कविता वहां से लिया गया है, जब आपका मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी तराइन की द्वितीय युद्ध में, तराइन की पहली युद्ध पहला क्वेश्चन आप देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ तराइन की द्वितीय युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, हाँ सॉरी ये 1206 में, और तराइन की युद्ध वाला मैं करेक्शन कर देता हूँ, 1191 ईस्वी में फर्स्ट युद्ध हुआ था और 1192 में सेकंड हुआ था, मुझे उस समय याद नहीं आ रहा था, तो 1206 ईस्वी की ये करीब करीब कहानी है,
जिस समय तक बंदी गृह में रहा करते थे मोहम्मद गौरी के पृथ्वीराज चौहान, उस समय पृथ्वीराज और गौरी के बीच में एक युद्ध हुआ था अनऑफिशियल, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने कहते हैं कि गौरी को मार दिया था, लेकिन हिंदी या कोई इतिहास में यह साक्ष्य नहीं है, लेकिन उसी समय ये कहा गया श्लोक है जिसको ये चंद्र बदाई जो उनके साथ थे उन्होंने कहा था। तो ऑप्शन टू यहाँ पे सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू व्हिच इज द फ्लोइंग कंट्री। इक्वेटर की बात होती है जिसके हिंदी में अगर बोलेंगे तो भूमध्य रेखा, पृथ्वी के भूमध्य रेखा किस से पार नहीं होती। तो ये सारे देशों को आपको ज्योग्राफी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा समय आपको कंसेप्ट के लिए बता दूं कि इंडोनेशिया आपका एशिया में इस क्षेत्र में पड़ता है, एकदम बिल्कुल इक्वेटर पे पड़ता है, जो अलग अलग द्वीपों में इंडोनेशिया बटा हुआ है छोटे छोटे द्वीपों में, ये आपका इक्वेटर पे है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। उसके बाद केनिया चाय के लिए प्रसिद्ध है, और जानते होंगे कि चाय किस में होती है, जहां वर्षा सबसे अधिक होती है। तो समझ सकते हैं वर्षा कहाँ सबसे अधिक होती है, ज्योग्राफी में आप जानते हैं इक्वेटर पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, यानी केनिया भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आपका है ब्राजील। ब्राजील के लोगों को आप देख के ही जानते होंगे कि कितनी गर्मी पड़ती है ब्राजील में, और फुटबॉल का फेवर करते हैं, फुटबॉल कंट्री है ब्राजील, ये भी इक्वेटर पे पड़ा हुआ है। तो हमने तीन को रिजेक्ट कर दिया, तो चौथा ऑप्शन होना ही था। तो मैक्सिको का स्थिति जानते हैं, मैक्सिको का स्थिति जानेंगे तो मैक्सिको आपका नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, और ये आपका यूएसए और पनामा के बीच में, यहाँ पे आपका पनामा है और ऊपर में यूएसए है, इसके ऊपर कनाडा होता है, तो यहाँ पे मैक्सिको है। एक यूएस की बाउंड्री एक साइड से कनाडा से लगती है, दूसरी साइड मैक्सिको से लगती है, और ये पनामा नीचे उसके साइड में है। तो यूएसए है ये आपका, मैक्सिको इक्वेटर पे नहीं पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे हम जाएंगे, द हाइएस्ट ग्रेड ऑफ कोल हुज सरफेस साइन हैज बीन हाइएस्ट क्लोरीन वैल्यू। तो देख सकते हैं ये सीआरए के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पिछला क्वेश्चन जेई सिविल से दोनों था, उसके बाद ये क्वेश्चन सीआरए से लिया हुआ है दोनों। तो इसमें पूछ रहा है कि किस टाइप के कोल की हाइएस्ट कैपेसिटी होती है, मतलब कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो सभी लोग जानते हैं एंथ्रासाइट की सबसे कम होती है, इसमें बिटुमिनस नहीं दिया हुआ है जिसका सबसे कम होता है, और एंथ्रासाइट का सबसे ज्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच स्टेट इज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल का ट्राइब्स। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो कई लोग बिहार मार आते हैं, लेकिन ये पुराना करंट अफेयर हो चुका है, क्योंकि झारखंड अलग होने से बिहार में शेड्यूल ट्राइब की संख्या बहुत कम हो चुकी है। तो अभी भी अगर देखें तो केरला में है नहीं, बिहार हुआ नहीं, महाराष्ट्र में बहुत लेरेस्ट है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अभी भी एसटी बिलोंग करते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज इंसिडेंट लीड गांधी जी टू कॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये जेई में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यानी मेंटेनर से पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन लिया हुआ है। कह रहा है कि गांधी ने जी ने किस कारण से असहयोग आंदोलन को खत्म करने का फैसला लिया था। तो सब जानते हैं 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जलियांवाला बाग घटना के बाद में, जो 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद एक घटना हो गई 1921 में, जिसमें ट्रेन में मतलब लूटमार की घटना हुई थी, जिसको चौरी चौरा एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश में था। तो इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है उनके लिए, जो हमेशा कंप्लेन करते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे कि आईपीएल, अगर आपने ग्रुप बना रखा है कि स्टडी का, वहां भी आईपीएल का खुमार चढ़ा हुआ रहता है, उनके लिए है, हु वाज अवार्डेड ऑरेंज कप इन आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट। आईपीएल टूर्नामेंट में ऑरेंज कप या पर्पल कप किसको बोलते हैं, ऑरेंज कप किसको दिया जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ी अवार्ड जो ये होती है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को दिया जाता है। तो उम्मीद है कि ये 20 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है करेंट जीके से, जनरल नॉलेज से, और ये डिफरेंट ट्रेड से है,
वो आपके आने वाले एग्जामों के प्रिपरेशन की तैयारी के लिए होगी, क्योंकि क्वेश्चन कभी जनरली रिपीट नहीं होता, और रिपीट होता है तो एक दो हो सकता है। तो आपको केवल समझना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडों से क्वेश्चन लिया है कि सभी को इससे हेल्प मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।